क्या एट द एज ऑफ 9 आपने फातिमा जिना गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005, President Award for Pride of Performance, and you are youngest Microsoft Certified Professional. आगे ज़िंदगी में क्या करना है? आगे मेरा ये aim है आगे कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ पढ़ वगैरह पर के सब आगे education लेके वापस आऊँ पाकिस्तान और अपनी nation को serve करूँ, क्योंकि यहाँ पर ही we have to give back something to our nation. किस field में आप education? Software को मैं साथ जारी रखूंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मेरी फील्ड है और सॉफ्टवेयर वैसे किसी काम करनी अगर उसके साथ कोई और फील्ड इम्प्लीमेंट करने को ना हो तो आई एम कीपिंग माय ऑप्शंस ओपन, बंदे को फ्लेक्सिबल जरूर होना चाहिए. तो आई विल चूज सॉफ्टवेयर विद सम अदर फील्ड, किसी और फील्ड को मैं सॉफ्टवेयर के साथ लूँगी ताकि उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकूँ. मिसेस अमजद, मुझे आप पे बहुत हैरत है एंड आई मस्ट क्लैप फॉर यू क्योंकि अ डॉटर लाइक हर इसको तरबियत देना और वो हमारे माशरे में जहाँ पर कि बेटी को हम बहुत सारे लोग जो लोग अभी भी बेटी को पढ़ाते भी हैं तो सोचते ही नहीं है कि बेटी के ऊपर भी फोकस करना है. माशाल्लाह हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़, हाउ अचीवमेंट्स उसकी देखिए, कितनी उसने ना सिर्फ अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के लिए मुल्क के लिए बाईस इज्जत, कैसे आपने इसको ब्रॉटअप किया? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की रहमत है, ये बहुत छोटी थी जब हमने इसके टैलेंट को पहचान लिया. ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि बच्चे का टैलेंट वो बचपन से पहचाने. क्या मतलब ये गुड़िया से नहीं खेलती थी? खेलती थी, स्टिल खेलती है. ये पोएट्री करती है, ये गुड़िया से खेलती है, साइकिलिंग करती है, ये गोल्फ खेलती है, ये बहुत कुछ माशाल्लाह करती है. अच्छा, नात भी बड़ी अच्छी पढ़ती है. अच्छा, अपने स्कूल की तरफ से और सिंगिंग कंपटीशन ये कौमी नगमे वगैरह सब में पार्टिसिपेट करती, कंपेयरिंग करती है. ये माशाल्लाह इसको गॉड गिफ्टेड है ये सारी चीज़ें. और दूसरा ये कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसको बहुत शुरू से उसको पहचानें और उसकी हेल्प करें कि वो उस फील्ड में नाम अपना रोशन कर सकें. सही. कैसे आपको आइडिया हुआ कि अरफा जो है इसमें स्पार्क है, ये कुछ सॉफ्टवेयर में या माइक कंप्यूटर की दुनिया में कुछ कर सकती है? ये छोटी होती जब खेलती थी उसमें गेम्स में और देखती थी, क्लिक करके कहती थी ये देखिए मामा ये क्या है क्या है, तो हम लोग सरप्राइज थोड़े से कि छोटी बच्ची है इसको तो ऑन ऑफ करना ही काफ़ी मुश्किल लगना चाहिए, फिर ये आगे जंप करने की कोशिश करती हैं. तो उसको देखते हुए हमें लगा कि इसका इंटरेस्ट है. पहले ये गेम्स खेलती थी, छोटी मोटी कोई पोएम्स अपनी सेव करती थी, फाइलें वगैरह बनाती थी, फोल्डर बनाती थी. उससे हमें फिर अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह इसमें ये टैलेंट है और इसका जहन इसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, आईटी कंप्यूटर की तरफ. सही. और आजकल तो माशाल्लाह ये कंप्यूटर का इतना ज़्यादा रुझान है कि इसके बगैर कोई भी सर्वाइवल कामयाब नहीं है. अच्छा अरफा, जो अम्मा बता रही हैं वो तो भाई अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, यानी क्रिएटिव एज वेल एज टेक्निकल. क्या आप पोइट्री भी करते हो, नात वगैरह भी पढ़ते हो और उन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हो, और कंप्यूटर में अमूमन जो कंप्यूटर के लोग होते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि दुनिया के और किसी काम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन कैसे दोनों? यू शुड नॉट बी बाउंड टू वन थिंग. आपको जो है हर चीज़ के अंदर यू शुड बी आपका जो है वो ब्रॉड अपना होना चाहिए, एक स्कोप आपको हर चीज़ के अंदर होना चाहिए इंटरेस्ट. लाइक आप और ये नहीं कि आप कंप्यूटर्स में आ गए तो कंप्यूटर्स में रहो और कोई दुनिया का काम आप नहीं करो. आपको लाइक आपको जिस तरह मैं भी लिटिल बिट थोड़ी बहुत पोइट्री भी कर लेती हूँ, मैंने बिल गेट्स पे जब मैं गई थी वहाँ पे उनको भी उन पर भी एक पोइम लिख के उनको दी थी. अच्छा. और इस तरह से आम छोटी मोटी पोइम्स भी. सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा मतलब एट ईज़ कहाँ फील करते हो आप, कंफर्टेबल व्हेन यू राइटिंग अ पोइम या जब आप अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हो कुछ? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग इन एवरी थिंग. कि आप एक सेम फीलिंग नहीं होती, जब मैं सॉफ्टवेयर में होती हूँ तो आई फील अ बिट लाइक प्रोफेशनल एमसीपी, अगर जब मैं पोइट्री लिख रही होती हूँ या सम मैं और कुछ कर रही होती हूँ तो आई फील लाइक अ किड. डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो इतना फ्लक्चुएट करना एक किड से एक प्रोफेशनल की फीलिंग और प्रोफेशनल की फीलिंग से फिर एक डॉल उठा के खेलती हुई बच्ची, या वाह अमेजिंग, कैसे? ये बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से ट्रेनिंग दी है और ये कुछ गॉड अल्लाह की तरफ से भी है. बिलीव करते हो इस बात पे? यस बिल्कुल. जब आपने ये सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन कर रहे थे कितनी दुआएं मांगती थी आप अपने लिए और क्या मांगती थी? मैं उस वक्त एक ही जब मैं पेपर बीच में कर रही थी तो मैं एक ही दुआ मांगती थी कि अगर आपको अल्लाह ताला मेरा कोई काम अच्छा लगा मेरा पेपर आप अच्छा करवा दें. तो
फिर उसके बाद मैं हो गया मेरा मतलब अल्लाह ताला को आपके बहुत सारे काम अच्छे लगे थे। अच्छा अरफा, ये जो फीलिंग है रिप्रेजेंट करने की, एक प्राइड की जो फीलिंग्स है, इनको कैसे लेती हो? आर यू हैव यू बिकम थोड़ा सा, जैसे लोग प्राउड हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं उस तरह से होता, ऑब्वियसली स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती होगी, हर जगह मिलती होगी, इसको कैसे हैंडल करें? एक्चुअली मैं स्कूल में यही, अगर मिले भी तो आई डोंट लाइक टू टेक दैट मच इंपॉर्टेंस इन स्कूल। मैं बिल्कुल अपने आम क्लास फेलोज की तरह ही रहना चाहती हूँ स्कूल में, क्योंकि आई डोंट फील कम्फर्टेबल कि अगर मुझे जो है कोई, आई डोंट वॉन्ट टू बी प्राउड, आई वॉन्ट टू बी विद देम, क्योंकि एरोगेंस जो है वो कभी कभी आपका फ़ायदा नहीं होता उसमें। और मेरे फादर मेरे मदर ने यही मुझे सिखाया है हमेशा कि द मोर यू गेट द हम्बलर यू शुड बी, तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एकेडमिक उसमें कैसा, क्या सूरत हाल है? एकेडमिक्स में आई एम माशाल्लाह ऑलवेज फर्स्ट इन माई क्लास, और आई एंजॉय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। स्कूल में कंपेयरिंग मॉर्निंग असेंबलीज की और इस तरह प्रोग्राम्स की और वहाँ पे सिंगिंग वगैरह सब कुछ। To be parents and to parent a genius, एक बड़ा मुश्किल जॉब है। बच्चा पालना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, वो ऊपर से ये कि वो जीनियस भी हो और उसका आपने अच्छा ब्रॉटअप भी किया हो। कैसे इस मरहले को आसान बनाया जा सकता है, कोई टिप्स हैं? टिप्स हैं, बच्चों की ट्रेनिंग में पेरेंट्स का, फादर का, मदर का, दोनों का रोल होता है। कुछ फादर ये समझते हैं कि शायद मदर्स की ये डिपार्टमेंट है घर का और वो करें और फादर्स नहीं करें, नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। फादर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को दे सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मदर इतना दे सकती हैं। मदर्स यस, हम अपनी ड्यूटी कर सकते हैं कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, इनको टाइम पे उठना सोना, इनकी दूसरी अच्छी आदत वो हम ख्याल कर सकते हैं, लेकिन एक जो नॉलेज और कॉन्फिडेंस बाप दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती। और माशाल्लाह इनके फादर जो हैं वो बड़े लाइक हैं, बड़े आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो बच्चों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जब भी उनको टाइम मिलता है वो लेके टेबल टॉक करते हैं और एक कोई भी टॉपिक लेके, टॉपिक ऑफ द डे वो डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। अच्छा। और मेरे दूसरे बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं। किस एज से ये एक्टिविटी है घर में, मतलब बच्चों की उम्र उस वक्त क्या थी जब से ये एक्टिविटी हो रही है? बचपन से लेवल छोटा था, पहले सिखाते थे कि हमारी कंट्री में हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कैसे बनना, छोटी छोटी बातें कि किन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये होता था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए उनका लेवल बढ़ता गया, फिर कंट्री, फिर आगे ज्योग्राफी क्या है, साइंस क्या है, और ये सारी डिस्कशंस जो है वो चलती रहती हैं। जब मैं छोटी थी, बिफोर गोइंग टू स्कूल, मेरी दादो, यार आप अभी भी छोटी हो, ओके, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले मेरी दादो मुझे, उन्होंने मुझे पहला कल, छः कलमे, दुआए कनूत, आयतुल कुर्सी सब कुछ स्कूल जाने से पहले सिखा दिया था। अच्छा। और मेरी मेमोरी शार्प थी, अभी भी है, और उस वक्त उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया। उसके बाद बाबा कभी भी रास्ते में, सफ़र में जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं बैठे, कुछ भी, तो एक एक टॉपिक उन्होंने, जिस तरह कभी वो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन वगैरह वगैरह, समझ बेसिक उस वक्त ना आ रही हो वो फिर बाद में क्लियर कर देते हैं वगैरह, तो हर वक्त एक का एक टॉपिक वो बताते रहते हैं जनरल नॉलेज का। सही, तो वो जो एक होता है सिली एक्टिविटीज ऑफ चाइल्डहुड वो है, बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया घर घर खेलना, गुड़िया की शादी, गुड्डा ढूंढा जा रहा है, ये कर भाइयों को तंग भी करती हूँ उनके साथ, फिर उनके साथ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मामा पापा से डांट भी पड़ जाती है। बिल्कुल नॉर्मल, इसकी ख्वाहिश होती है मुझे डॉल लेके दी जाए। अच्छा, किस तरह की? टॉकिंग डॉल्स या डांसिंग डॉल्स? आम बस नॉर्मल बार्बीज, नॉर्मल बार्बीज।